हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित भसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बच्चों, रिजल्ट का वेट हो रहा है, एक्साइटमेंट से वेट हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है, या हाइपर हो रही है, टेंशन हो रही है। टेंशन का तो पता नहीं, बट जैसा मर्जी हो, रिजल्ट अच्छा आ जाए, डोंट वरी। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, या जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, या जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इवन हर एक स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपका रिजल्ट आने वाला है, देखना। एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही आएगा, और एक्सपेक्टेशन से बढ़कर अगर रिजल्ट आया ना, तो नीचे कमेंट करके या इंस्टा पे मुझे बता के जरूर आना, विद मिठाई, विदाउट मिठाई मत आना, ठीक है ना। तो अभी रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, घबराने की बात नहीं है ना, गुड न्यूज़ भी नहीं कह सकते, यानी कि हम वो कह भी नहीं सकते कि अच्छी न्यूज़ भी नहीं कह सकते, या फेक न्यूज़ भी नहीं कह सकते, या फिर कुछ भी अभी इसके बारे में नहीं कह सकते कि बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। एट लास्ट हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। चलो, सीबीएसई रिजल्ट आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। सीबीएसई रिजल्ट 2023, सीबीएसई, कुछ मीडिया के द्वारा ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ठीक है, जो है मेरे में बेल लिए, दैनिक जागरण की तरफ से ये निकल कर आई है रिपोर्ट। सीबीएसई प्रवक्ता ने रिजल्ट पर दी है बड़ी जानकारी। 3 या दिन बाद जारी होंगे नतीजे, यानी कि 3 या 4 दिन बाद, वही 3 या 4 दिन, जैसे आज 12 तारीख है, 15 को या 16 को उनका एस्टिमेट है, क्योंकि आगे पढ़ लेते हैं। सीबीएसई रिजल्ट के संबंध में सीबीएसई प्रवक्ता ने भी बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि आज 11 मई यानी कि 11 मई की न्यूज है, 2023 को, यानी कि कल की न्यूज थी, कल रात की थी, 11 मई को 2023 को सीबीएसई रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। दरअसल सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। नोटिफिकेशन एक वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा कि 11 मई को रिजल्ट आने वाला, 11 मई को, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था अपनी वीडियो के अंदर। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी उनको पता ही होगा कि 11 मई को मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि 11 मई को रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो 11 मई को रिजल्ट के एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, जो कि था फेक, ठीक है। अब इसके बाद में एक और इन्होंने न्यूज क्या दी है, मेन न्यूज पे चलते हैं। मेन न्यूज में इन्होंने क्या बोला है, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जताई जा रही है कि नतीजे अब 1 या 2 दिन में घोषित हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में सचित ने इस संबंध में जानकारी दी थी। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने, जिसकी वीडियो मैंने आपको बोली थी, अनुराग त्रिपाठी जी ने क्या कहा था कि सीबीएसई रिजल्ट की 2023 की जो घोषणा है वो 15 मई के बाद होगी, बात कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में डिजी लॉकर ऐप ने भी रिलीज रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने के साथ साथ यह भी कहा कि स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है, यानी कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था डिजी लॉकर वालों ने, और साथ में डिजी लॉकर भी ऐप जो है वो अपडेट हुआ है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो जैसे डिजी लॉकर ऐप अपडेट हुआ ना, तो वहां पे भी ये लिखा आ रहा है कि 10th और 12th का रिजल्ट आर कमिंग सून। तो वहां से अगर ये एस्टिमेट लगाएं, और अनुराग त्रिपाठी की बात को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए 15 मई के बाद, ऐसे में इन दोनों संभावनाओं के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिन बाद, यानी कि 15 मई के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 मई के बाद रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। 15 को ही आ सकता है, इवन ऐसा भी कह सकते हैं मंडे को, तो 16 को भी आ सकता है, लेकिन चांसेस 15 मई के बाद ही है। हालांकि अभी भी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखे हैं कि बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना फिलहाल रिलीज नहीं की गई है, यानी कि ऑफिशियल इस टाइप की कोई न्यूज नहीं आई है कि रिजल्ट जो है इस डेट को आएगा। अब ऐसे में सिर्फ आप सीबीएसई रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप सिर्फ चेक कर सकते हैं, या फिर अपनी नजर बना के रख सकते हैं। बाकी मैं आपको डिजी लॉकर ऐप का भी स्क्रीनशॉट जो ट्विटर उन्होंने किया है तो वो भी शो करवा देता हूँ। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, देखो उन्होंने क्या लिखा, द वेट इज ऑलमोस्ट ऑल ओवर हैश सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट फॉर द ईयर 2023 आर कमिंग सून, ठीक है। इसका कमिंग सून का ये मतलब नहीं कि आज ही आ जाएगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कमिंग सून लिखा है, आज दोपहर में आ जाएगा, शाम में आ जाएगा, आज रात तक आ जाएगा। एंड डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म हैज मेड स्पेशल सेटअप फॉर द हैसल फ्री एक्सेस टू डिजी लॉकर स्टूडेंट वगैरह हो, तो चलो उन्होंने यहाँ पे अपना अपना लिखा है। तो इसमें क्या, देखो एट लास्ट एक चीज बताता हूँ, सीबीएसई कभी भी ऑफिशियली नहीं अनाउंस करता कि भाई मैं 15 तारीख को या 16 तारीख को रिजल्ट देने वाला हूँ, ठीक है। पहली बार देखो 38 लाख बच्चे हैं, 38 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा, 38 लाख बच्चों का रिजल्ट जो है सीबीएसई ने डिक्लेयर करना है। अगर सीबीएसई इस चीज को ऑफिशियली बता देगा कि मैं भाई 15 तारीख को रिजल्ट देने वाला हूँ, तो 38 लाख में से कम इस टाइम पे हर एक बच्चे, तो हम नहीं कह सकते कि चलो किसी की मजबूरी है या कोई बाहर है या किसी को टाइम नहीं मिला, कम से कम 20-25 लाख बच्चा जो है वो वेबसाइट ओपन करके बैठ जाएगा,
अगर 20 इवन टीचर्स भी, मैं खुद भी, मेरे आप यूट्यूब फैमिली हो ठीक है ना, अगर आप बच्चों का रिजल्ट आएगा इसका मतलब ये नहीं टेंशन आपको, ये टेंशन मेरे को भी है, मैं भी खुद खोल के बैठूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब जितना भी मेरे को रोल नंबर जिन जिन बच्चों को पता है मैं उन चीज़ को चेक करूंगा भाई बच्चे कैसे आए, रिजल्ट कैसा आया, अच्छा आया नहीं, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया कि नहीं। आपको टेंशन होने के साथ साथ हमें भी टेंशन है ठीक है, तो ये ऑफिशियली है ऐसा, इसमें कोई फेक करने वाली तो बात है नहीं। टेंशन आप पूरे साल की मेहनत है भाई, क्यों क्यों नहीं खराब खराब थोड़ी करनी है, क्यों खराब क्यों होगी भाई, हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वेबसाइट बार बार खोल खोल के चेक करेंगे, टीचर्स कहीं खोल के चेक करेंगे, जिन टीचर्स को टेंशन आती है मेरे जैसे, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं खोल के चेक करूंगा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बार बार जाके चेक करेंगे कि रिजल्ट आया नहीं आया, आया नहीं है तो सीबीएसई अगर उधर से कुछ कर रहा हुआ या कोई अपना सर्कुलर डाल रहा हुआ या फिर रिजल्ट को रिलेटेड कोई चेक कर रहा हुआ या रिजल्ट अभी अपलोड कर रहा हुआ, तो 21 लाख 20 लाख बच्चे जब एक वेबसाइट के ऊपर प्रेशर डालेंगे इमीडिएटली ठीक है, वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो उधर से क्या होगा, सीबीएसई का रिजल्ट अपलोड कर रहा हुआ या नहीं भी कर रहा हुआ या फिर रिजल्ट की कोई टाइमिंग होगी, तो अगर इनकेस रिजल्ट आ भी जाता है तो एकदम से जब 20 लाख बच्चे उस वेबसाइट को खोलेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट वेबसाइट जो होती है वो क्रैश कर जाती है। तो ऐसा ना हो किसी का रिजल्ट किसी के पास पहुंच जाए, किसी का रिजल्ट किसी के पास पहुंच जाए, क्रैश करने से कोडिंग है कुछ भी हो सकता है ना, क्रैश इन द सेंस ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी बच्चों की वेबसाइट खुलती नहीं है, कई बार खुल जाए तो किसी और का रिजल्ट शो करने लग जाए। तो इसलिए सीबीएसई इस चीज़ को कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली ये जरूर बता देता है कि भाई, या किसी जैसे डीजी लॉकर के थ्रू बता दिया कि रिजल्ट आर कमिंग सून, तो इसका मतलब हमारे आने वाले 4-5 दिन वो जो है काफी क्रूशियल होने वाले हैं। जैसे 2 दिन पहले अभी सीबीएसई ने सर्कुलर डाला था, अभी 10 को ही सर्कुलर डाला था कि जो आपका रिजल्ट है के आने वाले जो आप मार्कशीट है वो आप डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ऐसे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर, इसका मतलब जो सीबीएसई वो हमें इंडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि बी प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाओ कि रिजल्ट जो है वो कमिंग सून है, कभी भी किसी भी टाइम जो है वो वायरल हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 15 मई से पहले अब रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप अपना आराम से आज का दिन तो पहले इंजॉय करो, फिर आगे की अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी आज मैं रात को आऊंगा लाइव, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, तो आप कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज है कोई भी डाउट है अपनी लिस्ट बना लीजिए, फटाफट आज लाइव आके सारी बातें डिस्कस करेंगे, ग्रेस मार्क्स अटेम्प्ट मार्क कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो हम लाइव आके आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा तो आपका मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, यू आर माई यूट्यूब फैमिली ठीक है बच्चों। अगर आप मेरी YouTube फैमिली हो तो हम इसके बाद आपके लिए कोई टेस्ट को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई मई में टेस्ट होते हैं, जून में टेस्ट होते हैं, कोई आपको टॉपिक के रिलेटेड प्रॉब्लम, टॉपिक कैसे अपना बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हो, कोई फ्यूचर के रिलेटेड है कौन सा कॉलेज बेस्ट है या कैसे टेस्ट के रिलेटेड है ठीक है, कोई एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है मे बी आने वाले फ्यूचर में हम एक चैनल भी शुरू करेंगे, स्टडी चैनल अलग से, तो वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा लिंक मैं आपको अपना लिंक यूट्यूब फैमिली के साथ कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तो टेस्ट के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है कि बेस्ट टाइम टेबल कौन सा पढ़ने का, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, किस हिसाब से क्वेश्चन करने चाहिए, 1 मार्क 2 मार्क कोई भी रिलेटेड डाउट है, उस सबकी वीडियोज भी आती रहेंगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।